अब तक हमने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा है जहां पर बीरस और गोकू के बीच की लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जहां बीरस का मानना है कि वो जीत गया है। जहां तुम्हारी कोशिश अच्छी थी गोकू, लेकिन ये जो रोशनी का ब्लास्ट था ये फिर से वापस आ रहा है, ये देखकर बीरस हैरान है। जहां गोकू कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सुपर शक्ति ने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं जितना ज्यादा जोर लगाऊंगा उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। ये कहकर गोकू भी जोर लगाता है और उधर बीरस भी। जहां जैसे ही इनकी रोशनी बढ़ते जा रही है और ये ब्लास्ट अभी पूरा एक बड़ी सी रोशनी में तब्दील होते जा रहा है, सारे लोग बड़ी बेचैनी से और बेताबी से देख रहे हैं क्योंकि कहीं ब्रह्मांड ना नष्ट हो जाए। और इसी नोट पे दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों आपने अभी तक अगर इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है जो यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को भी कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। अब इधर सुप्रीम काय कहता है आंखें खोलकर कि हमें कुछ नहीं हुआ। तभी ओल्ड काय कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये झूठी उम्मीद थी क्योंकि रोशनी अभी भी वहीं पर है। जहां हम देखते हैं ये बड़ा सा गोला छोटा हो चुका है। जहां गोकू और बीरस एक दूसरे के ऊपर इसको फेंकने में लगे हुए हैं। अब गोकू चिल्लाकर पहले वो दबाव डालता है और फिर लॉर्ड बीरस। जहां गोकू की तरफ आ रहा है ये गोला तो गोकू कहता है नहीं और गोकू फिर से जोर लगाता है। इधर गोकू पीछे हो चुका है। जहाँ इधर सुप्रीम काय कहते हैं गोकू, तभी ओल्ड काय कहते हैं कि ज्यादातर हिस्सा उससे बच नहीं पाया लेकिन अभी भी एनर्जी वहीं पर है। जहाँ हम खुद को किस्मत वाले मान सकते हैं। ओल्ड काय कहते हैं कि ये जो छोटा सा बॉल है ना, ये इतना बड़ा शक्तिशाली है कि अगर ये फट जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश तो तय है। अभी भी गोकू इसे रोकने में लगा है लेकिन लॉर्ड बीरस फिर से एनर्जी बढ़ा देते हैं। जहाँ ये गोला धीरे धीरे ही सही लेकिन गोकू की तरफ ही आ रहा है। अब हम नीचे देखते हैं जहाँ रिपोर्टर कह रहा है कि ये बार बार आ रहे हैं, अभी झटके तो कम है लेकिन कंटिन्यू चल रहे हैं, जिससे मुझे लगता है ये कोई बुरा संकेत है। इधर मिस्टर सैटर्न कहते हैं ऐसा लग रहा है कि दुनिया नष्ट हो रही है। विस कहता है हाँ, तुमने सही कहा, मैंने इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी इस सुपर सैयन गॉड से। विस कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि इससे सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन उस बॉल में छुपी हुई जो एनर्जी है उसको अगर हम लोग सीमित कर दे, इस सोलर सिस्टम के अंदर ही रखे तो इतनी ही तबाही होगी, लेकिन अगर बॉल फट जाएगा तो ये शायद से पूरे ब्रह्मांड को क्या, इन गॉड्स को भी निगल जाएगा। मिस्टर सैटर्न कहते हैं थोड़ा सा अच्छे से समझा सकते हो। विस कहता है क्यों नहीं, ये दोनों फाइटर जो लड़ रहे हैं जिनकी एनर्जी से इस पृथ्वी का नाश हो सकता है। जहां मिस्टर सैटर्न थोड़े से परेशान तो है, तभी वो कहते हैं कि विस क्या आप कुछ नहीं कर सकते। विस कहता है पहले कर सकता था लेकिन अब ये एनर्जी इतनी बड़ी है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ इधर मिस्टर सैटर्न बहुत ज्यादा परेशानी में है। जहाँ वो नीचे झुकते हैं और कहते हैं क्या वो लॉर्ड तुम्हारे जो दोस्त है उन्हें तुम इस लड़ाई को रोकने के लिए नहीं कह सकते। मिस्टर सैटर्न हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा लेकिन कर दो ये प्लीज। जहाँ मिस्टर सैटर्न उठते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम कैसे मानोगे। एक टिकट बना लेता है मिस्टर सैटर्न और दिखाता है विस को। विस कहता है दुनिया में कहीं भी खाने का परमिट, ये टिकट वाकई में लाजवाब है और बहुत टेस्टी खाना भी मिलता होगा। जहाँ विस कहता है कि ये बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर है, मैं मना नहीं कर सकता लेकिन इतनी सारी चीजों में तुमने खाने वाली ही चीज को चुनी। मिस्टर सैटर्न कहते हैं कह दो ना प्लीज। विस कहता है ओ सॉरी, लेकिन मैं नहीं मान सकता। इधर बिजली कड़कती है, वेजिटा इस मैच को देखे जा रहा है। इधर गोकू अपनी पूरी जान झोंक दे रहा है इस बॉल को रोकने के लिए लेकिन बीरस भी कम नहीं है। अब बीरस कहता है कि तुम्हारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है लेकिन एक ही चीज देखकर मैं थक गया हूँ। अब इतनी जोर की एनर्जी हो चुकी है जिससे पीली छटाएं हमें नजर आ रही है। जहाँ मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि दुनिया का रखवाला यही कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। तभी विडेल के पास उड़कर गुहान आ जाता है। इस रोशनी से सब कुछ ढक जाता है और अर्थ के ऊपर हम देखते हैं एक बड़ी रोशनी जो कि अर्थ को भी ढक चुकी है। अब जहाँ ये रोशनी हटती है और मिस्टर सैटर्न आँख खोलते हैं और कहते हैं हाँ ये मैंने दिया। तब विडेल को पूछता है गोहान क्या तुम ठीक हो, और विडेल कहती है हाँ मैं और मेरा बच्चा दोनों ठीक है। इधर पिकलो कहता है ये आखिरकार क्या था। सुप्रीम काय पूछता है ओल्ड काय से कि आखिरकार आप ही बताइए ये दुनिया सलामत कैसे है। इधर मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि मेरा प्यार इतना ज्यादा था कि दुनिया को मैंने बचा लिया, सेवियर फिर से आ चुका है जिसने फिर से अर्थ को बचा लिया है। तभी उसका फोन भी बजता है जहां मिस्टर सैटर्न के सेक्रेटरी ने कॉल किया है। जहां मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो। इधर मिस्टर सैटर्न कंटिन्यू चिल्लाया जा रहा है फोन पर कि अभी अभी मैंने दुनिया बचाई है तो ऑटोग्राफ के लिए भी कुछ अरेंजमेंट किए जाए और मेरे फेवरेट पेंसिल और पेन के बॉक्स लाए जाए। तभी विस कहता है लॉर्ड बीरस आप इतने
बड़े हो, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। इधर हमें गोकू और बीरस को दिखाया जाता है, जहाँ बीरस कहता है कि हमारे बीच जो एनर्जी थी उसे मैंने गायब किया है, चलो शुरू से शुरू करते हैं। गोकू पूछता है, लेकिन आपने उसको खत्म कैसे किया? बीरस कहता है, उसके लिए मुझे अपनी 10% शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। गोकू कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो मेरी पूरी एनर्जी से लड़ रहा था। बीरस कहता है, अगर रोकता नहीं तो क्या होगा पता है? मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं सेंस के सामने पूरा जोर नहीं लगाता। जहाँ सेंस के लिए और तुम्हारे लिए पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करना मेरे लिए एक अपमानजनक बात है। गोकू अपने सिर पर हाथ रखता है, ओह नो, ये बात है, आप अपनी इमेज को बचा रहे हैं। हाँ, मैं अब तक यही चिंता कर रहा था, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। दूसरे गॉड को जो भी सोचना है सोच ले, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा। मैं तुम्हें कुचलने के लिए और आज तुम्हें खत्म करने के लिए मैं पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। गोकू कहता है, ठीक है। बीरस कहता है, तुम मुस्कुरा रहे थे, तुमने भी अपनी पावर को क्या रोक के रखा था? नहीं, मैं अपनी पूरी पावर के साथ लड़ रहा था। बीरस कहता है, कोई नई रणनीति? गोकू कहता है, मैं उससे सबसे बाहर आ चुका हूँ, मैंने सब करके देख लिया। बीरस कहता है, तुम बिल्कुल अजीब हो। गोकू हंसता है, और शायद आप ही की तरह लॉर्ड बीरस। गोकू और बीरस पास आते हैं, मुठ्ठियां टकराते हैं, और अब बीरस कंटिन्यू मारे जा रहा है। अब दोनों ने एक दूसरे के फेस के ऊपर मुक्के जड़ दिए है। दोनों ही एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं ताकत की। लॉर्ड बीरस दौड़ के आते हैं, एक लात मार देते हैं, तो ये लो इसका भी स्वाद चखो। और गोकू पीछे चले गया है बीरस के और पीछे से मार देता है। अब गोकू पहले दो मुक्के और बीरस एक लात मार देता है। दो चार मुक्के खाने के बाद गोकू को कहता है बीरस कि ये मुक्का तुम्हारे लिए आखिरी है। चेस्ट पर एक मुक्का मारता है, जहाँ उसके हाथ में एक एनर्जी है, जिस एनर्जी से गोकू खुद को रोकता है और वो पकड़ लेता है फेस बीरस का। बीरस कहता है कि गोकू छोड़ो। गोकू कहता है, आज तो नहीं। और गोकू कंटिन्यू मारे जा रहा है। इस ब्लास्ट के वजह से दोनों ही दूर चले गए हैं। बीरस चिल्लाता है और कहता है कि गॉड की लड़ाई में सर फोड़ना नहीं होता। गोकू कहता है, इसका मतलब काम किया। बीरस कहता है, मुझे चोट नहीं लगी। गोकू कहता है, झूठ मत बोलिए। और दोनों ही फिर से लड़ने लग जाते हैं। सुप्रीम गाय कहते हैं कि दोनों रुकने का नाम नहीं लेते, उनकी ताकत भी बढ़ रही है और हमारे विनाश का कारण भी हमें साफ दिखाई दे रहा है। ओल्गा कहते हैं कि वो लहरें बस दिखावा है, वो दोनों ऐसे लड़ रहे हैं मानो जीतना चाहते हो। जहाँ थोड़ी सी आग चेंज होती है तो लॉर्ड बीरस कहते हैं कि तुम्हारा हवा खत्म हुआ। गोकू कहता है, ये वक्त ही बताएगा। और गोकू मारने लगता है। बीरस कहता है, चिल्लाए बिना लड़ नहीं सकते। और कंटिन्यू वार किए जा रहा है गोकू। बीरस उसे डॉच कर रहा है। हर पल तुम्हारी ताकत बढ़ती जा रही है, जहाँ गोकू के दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, जहाँ पर तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ सेंस को नहीं पहुँचना चाहिए, ये तुम्हारे लिए तो कोई अचीवमेंट है। गोकू कहता है, क्या हम चुपचाप लड़ नहीं सकते? और गोकू लात मार देता है बीरस को। अब पिकलो और ये सारे लोग शिप पर वापिस आ गए हैं, जहाँ पिकलो पूछता है, अब गोकू की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। जहाँ विस कहता है कि हाँ, जब तुमने एनर्जी दी थी वो रिचुअल कम्प्लीट किया था, तब एक्चुअल में उसकी एनर्जी नॉर्मल थी, तो तुम्हें महसूस हो रही थी जो कि डिवाइन एनर्जी थी। और अब गोकू अपने सामान्य स्थिति में लौट आया है, जहाँ वो फिर से एक सुपर सैयन है, कोई गॉड नहीं। जहाँ गोटन कहता है, अगर वो गॉड है तो विस कहता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे उसी बात का डर है। विडेल दौड़ कर आती है, गोटन को समझाती है कि ये तुम्हें डैड को नहीं जानते। जहाँ तुमने कहा था ना वेस कि ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर तुम गलत थे और अभी भी गलत हो। जहाँ हो सकता है कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो, क्योंकि लॉर्ड बीरस 900 सालों से इस तरह से कभी एक्टिव नहीं हुए हैं, और यही उन्हें और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बनाते जा रहा है। तो अगर ये ग्रह खत्म हो जाता है तो इसकी याद की सौगात तो मेरे पास है, जो कि है खाना। पिकलो आता है और हाथ पकड़ता है विस का। तभी विस कहता है कि मेरा हाथ कैसे पकड़ा, हाथ हटाओ। तभी वेजिटा एक ब्लास्ट कर देता है इन दोनों के बीच में। पिकलो कहता है, ये किस लिए था? तभी पिकलो मन ही मन में बात करता है वेजिटा से कि ये इसीलिए था ना कि तुम्हें पता है कि अब तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। जहाँ मैं पावर पर घमंड नहीं करता, बीरस कहता है, और मेरे कॉम्पिटिटर को तो मुझे खत्म करना ही होगा, जो कि मैं हमेशा से करता आया हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो सयन? इसी के साथ आज की पार्टी खत्म हुई। और एक जोर का मुक्का जड़ दिया है गोकू ने बीरस के ऊपर। बीरस कहता है कि सुपर सयन गॉड की पावर जो है वो डिवाइन में लौट गई है, तुम अब सुपर सयन गॉड नहीं हो। दो तीन बार डॉच करने के बाद गोकू ने फिर से एक मुक्का जड़ दिया है। बीरस कहता है, ये क्या हो गया है? तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास जो ऑरा था सुपर सयन गॉड का वो खत्म हो चुका है। जहाँ तुम फिर से नॉर्मल हो गए हो, तुम्हें पता तो नहीं चला क्या? गोकू कहता है, खुद को देखकर वैसे तो नहीं, लेकिन अजीब बात है।
मैं मानता हूँ कि मैंने उसे खो दिया है, लेकिन अभी भी मेरी एनर्जी मुझे कम महसूस नहीं हो रही। बीरस कहता है, मुझे क्या पता। गोकू कहता है, क्योंकि आप एक गॉड हो, आपको तो पता होना चाहिए। बीरस कहता है, हालांकि तुम्हारे अंदर की सुपर सैन गॉड की पावर खत्म हो चुकी है, लेकिन तुमने गॉड की तरह लड़ना सीख लिया है। उस लेवल को महसूस करके तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर अब वो डिवाइन पावर जाग उठी है और तुम उसे महसूस कर रहे हो। क्या मैंने गलत कहा? गोकू कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास अभी भी पावर है और मेरे लिए वो काफी है। बीरस सिर पे हाथ रखता है और कहता है, ओह, मैं तुम्हारे लिए सेंटिमेंटल कैसे बन गया? गोकू कहता है, ये सेंटिमेंटल क्या होता है? वो क्या खाने में टेस्टी होता है? बीरस कहता है, मुझे सावधान रहना होगा, वरना तुम्हारा पागल दिमाग मुझे भी पागल कर देगा। गोकू कहता है, आपको कैसा भी लग रहा हो, हम क्या लड़ाई शुरू करें? बीरस कहता है, हाँ, तुम स्टार्ट करो। दोनों ही एनर्जी लेवल बढ़ाकर एक दूसरे को मारने आ जाते हैं। पहले गोकू मार खाता है, फिर गोकू बीरस को मार चटाता है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हंसने लगते हैं और आते हैं फिर से मारने के लिए। अब हालांकि हमारा जो गोकू है उसकी देवता वाली शक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका जो पावर बढ़ा है वो खत्म नहीं हुआ अब तक। शायद ये सैयन युग की एक नई शुरुआत है। अब ये देवता बनाम देवता की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि देवता बनाम गोकू की लड़ाई हो गई है। अब तक वो यूनिवर्स को तबाह करने वाली पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने के लिए रेडी हैं। पर सवाल अब भी वही है कि इस युद्ध को आखिरकार जीतेगा कौन। और इसी नोट पे दोस्तों इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्त, आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट भी। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़।